इंपीरियल स्कूल के खिलाफ अभिभावकों का प्रदर्शन, छात्रों को ऑनलाइन एजुकेशन से बाहर करने पर बवाल। लॉकडाउन की तंगी में स्कूल कॉलेजों ने पालकों की टेंशन और बढ़ा दी है। जो छात्र फीस नहीं भर पा रहे हैं, उनका ऑनलाइन क्लास बंद कर छात्रों को शिक्षण से वंचित किया जा रहा है। ताजा मामला खारघर के एम्पीरियल स्कूल का है, जहां सैकड़ों छात्रों को ऑनलाइन क्लास से बाहर कर दिया गया है। इससे नाराज 120 से अधिक अभिभावकों ने आज पेरेंट्स एजुकेशन जस्टिस कमेटी के नेतृत्व में मोर्चा निकाला और स्कूल के गेट पर धरना प्रदर्शन करते हुए अपने बच्चों को क्लास में शामिल करने की मांग की। मोर्चे का नेतृत्व कर रहे भाजपा के युवा नेता अमर उपाध्याय एवं मुनाफ पटेल ने कहा कि लॉकडाउन के कारण चारों तरफ आर्थिक संकट है, ऐसे में तत्काल फीस भर पाना मुमकिन नहीं है, इसलिए अभिभावक मोहलत मांग रहे हैं, लेकिन स्कूल प्रबंधन सुनने को तैयार नहीं है और मनमानी कर रहा है। उनसे जिला साहब जी ने बात किया, हम सब क्योंकि वो खुद एक पेरेंट थे, उन्होंने बोला कि ऑनलाइन क्लासेस चालू करा दीजिए, ताकि फीस के लिए आप गुरुवार को आइए, बात कीजिए, जो भी रिजल्ट निकलेगा पेरेंट्स सर एग्री, जो रिजल्ट निकलेगा पेरेंट्स के पक्ष में। अभी लेकिन सीधा साहब का क्या कहना है कि आप लोग ये प्रोटेस्ट कर रहे हो, वो स्कूल वाला एक बेंगलोर में बैठा है, एक कहाँ पे औरंगाबाद में बैठा है, वो अभी इस वक्त नहीं आ सकता और ना ही कोई कोऑर्डिनेटर कोई डिसीजन ले सकता है, बिकॉज स्कूल अथॉरिटी का डिसीजन लेना प्रिंसिपल या तो डायरेक्टर का काम है। सीधा साहब का क्या कहना है, सीधा साहब का क्या कहना है, सीधा साहब को जब मैंने बोला कि सर वो गुरुवार को आएगा नहीं, उसकी क्या गारंटी, हमको लिख के दे दीजिए तो हम लोग मानेंगे, ऑन पेपर में लिख के चाहिए। सीधा साहब ने फिर उनको बोला कि आपका कोई कोऑर्डिनेटर यहाँ पे होगा तो उसको लिख के दे दीजिए पेरेंट्स लोग के सेटिस्फेक्शन के लिए, लेकिन फिर वो शेख साहब ने ऐसा बोला उनको कि सर कोई भी वहां पर मौजूद नहीं है, आप चाहिए तो हमारी गारंटी ले लीजिए, सर को बोले कि आप गारंटी ले लीजिए हम लोग पक्का गुरुवार को आएंगे, तो सर ने फिर बोला कि देखो आपकी गारंटी मैं ले रहा हूँ, मैं खारघर पुलिस का इंचार्ज हूँ, मेरे पर ये सब लोग डिपेंड है, तो उन्होंने बोला सर विश्वास के साथ बोल रहा हूँ आप गारंटी लीजिए। तो सिद्धार्थ साहब ने अभी सब लोगों को आपको बताया है कि सिद्धार्थ साहब खुद गारंटी ले रहे हैं कि गुरुवार को उसका प्रिंसिपल डायरेक्टर और पेरेंट्स एजुकेशन जस्टिस कमेटी के लोग और कुछ पेरेंट्स सब लोग उनके साथ मीटिंग करेंगे, लेकिन फिर भी सिद्धार्थ साहब ने प्रेशर डाला कि ऑनलाइन क्लास चालू करा दीजिए, तो उनका ऐसा कहना है वो जो स्ट्रेटेजी कर रहे हैं ठीक है एग्री, हम लोग भी होशियार है, हम पेरेंट्स भी जानते हैं आपकी स्ट्रेटेजी क्या है, लेकिन सिद्धार्थ साहब का कहना है कि वो कोई भी एग्जाम नहीं लिया जाएगा, सबने उनको बोल दिया और उन्होंने भी एग्री किया कि कोई भी एग्जाम नहीं लिया जाएगा जब तक पेरेंट्स का प्रॉब्लम सॉल्व ना हो, खाली हमको एक दिन कल का वेट करना है, परसों हमारी मीटिंग है, अगर आप सब लोग राजी हो तो तीसरा सब डिसीजन लेंगे। बता दें कि पेरेंट्स एजुकेशन जस्टिस कमेटी स्कूल कॉलेजों की ऐसी ही मनमानी के खिलाफ आवाज उठाती रही है और स्कूलों को सरकार के उन नियमों का आईना दिखा रही है जिसके तहत छात्रों को शिक्षा से वंचित नहीं करने का प्रावधान है। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी वन इंडिया। लेटेस्ट अपडेट और खबरों के लिए टीवी वन इंडिया को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को दबाना मत भूलें।